वेलकम स्टूडेंट्स, सो जो हमारा चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड, उसका आज हम पार्ट वन स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। क्या है स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट चैप्टर? नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। सो चैप्टर के नाम के हिसाब से देखते हैं तो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में? एयर के बारे में, वाटर के बारे में और लैंड के बारे में। इन तीन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमें समझना नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो सिंपली स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। जितनी भी चीज़ें, जितने भी सब्सटेंस, जो भी है आपको नेचुरली मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? जो भी चीज़ें आपको नेचर से मिल रही हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। सो एयर आपको नेचर से मिलता है, आप एयर को बनाते नहीं हैं। वाटर आपको नेचर से मिलता है, आप वाटर को बनाते नहीं हैं। लैंड आपको नेचर से मिला है स्टूडेंट्स। सो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, एयर, वाटर और लैंड के बारे में एकदम डिटेल्स में आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो आप सभी ने देखा होगा, अगर आप अपने आज सराउंडिंग में ऑब्जर्वेशन करते होंगे तो आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं वो एयर में फ्लाई करते हैं। क्या होता है? जो बर्ड्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, रॉकेट्स वगैरह हैं, वो कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स? वो एयर में फ्लाई करते हैं। और जो शिप्स होते हैं, फिशेज होती हैं, वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वो वाटर में तैरती हैं, वाटर में स्विम करती हैं स्टूडेंट्स। और जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स? वो लैंड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, मतलब अपने अर्थ पे, अपने प्लैनेट पे एयर, वाटर और लैंड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स। हमें ये सब चीज़ें नेचुरली हमें गिफ्ट हुई हैं, एक तरह से क्या हुई है, हमें गिफ्ट हुई है, जिनके वजह से हम आज जिंदा रह पा रहे हैं। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? जिनके वजह से आज हम जिंदा रह पा रहे हैं। हमें जिंदा रहने के लिए तीनों ही चीज़ चाहिए स्टूडेंट्स। क्या चाहिए? तीनों ही चीज़ हमें चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और लैंड भी चाहिए स्टूडेंट्स। सो आज हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। एयर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और लैंड के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो साइंटिफिकली देखें तो आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जितना भी एयर है अर्थ पे उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फियर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एटमॉस्फियर। सो आपको ये याद रखना है कि एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फियर, वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फियर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोस्फियर बोलते हैं। वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोस्फियर बोलते हैं। और लैंड को हम क्या बोलते हैं? लैंड को हम बोलते हैं लिथोस्फियर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लिथोस्फियर बोलते हैं हम लैंड को। तो ये सब चीज़ें आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें को क्या बोला जाता है। तो हरदम आपको हमेशा ध्यान देना है कि एयर को आप एटमॉस्फियर बोलोगे, वाटर को आप हाइड्रोस्फियर बोलोगे, लैंड को आप लिथोस्फियर बोलने वाले हो। सो जितनी भी चीज़ें हैं इन्हीं तीनों चीज़ों में होने वाली, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होने वाले हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होने वाले हैं, इन्हीं तीन चीज़ों में होने वाली है। एयर में होगी, वाटर में होगी या लैंड में होने वाली है। मतलब या तो एटमॉस्फियर में हो, या तो हाइड्रोस्फियर में हो, या तो लिथोस्फियर में हो स्टूडेंट्स। एटमो मतलब होता है एयर, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, लिथो मतलब होता है लैंड। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अब इन तीनों को मिला के,
क्या स्टूडेंट्स, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बायोस्फीयर। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। सो अर्थ है जो वो वाटर और लैंड से घिरा हुआ है। अर्थ कैसा है स्टूडेंट्स? वाटर और लैंड से घिरा हुआ है, और वाटर का जो क्वांटिटी है वो लैंड से ज्यादा है अर्थ पे। क्या है? वाटर का क्वांटिटी लैंड से ज्यादा है। तो इसे एक पाई डायग्राम से समझते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या है पाई डायग्राम? सो तो 71% क्या है स्टूडेंट्स? 71% आपका वाटर है, और 29% क्या है स्टूडेंट्स? 29% आपका लैंड है। मतलब लैंड वाटर से कंपैरिजन में क्या है? कम है स्टूडेंट्स। क्या है? वाटर के कंपैरिजन में लैंड क्या है? कम है। सो हाइड्रोस्फीयर ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथोस्फीयर, और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। बायो मतलब होता है स्टूडेंट्स लिविंग। क्या होता है? लिविंग। सो इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। सो ये परसेंटेज आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। 29% लैंड होता है, 71% वाटर होता है हमारे अर्थ पे। सो सबके बारे में अब डिटेल्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले हम देखते हैं एयर के बारे में। क्या देखेंगे? एयर के बारे में देखते हैं क्या है एयर। सो एयर को हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। एटमॉस्फेयर। सो आप सभी को जैसे कि मालूम है कि एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होते हैं। क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होते हैं। अगर ये अर्थ है स्टूडेंट्स, क्या है? ये अर्थ है, तो ऐसे लेयर्स हैं अर्थ पे। क्या है? ऐसे लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर है वो आपका है ट्रोपोस्फीयर। क्या है? ट्रोपोस्फीयर। फर्स्ट लेयर जो आपका है वो है ट्रोपोस्फीयर। सेकंड लेयर है वो आपका है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रेटोस्फीयर। थर्ड लेयर है जो आपका, वो आपका है मीजोस्फीयर। क्या है स्टूडेंट्स? मीजोस्फीयर है आपका जो थर्ड लेयर है, वो क्या है? मीजोस्फीयर है। फोर्थ लेयर जो आपका है वो है आयनोस्फीयर। क्या है? आयनोस्फीयर। और फिफ्थ लेयर जो आपका है वो है एक्सोस्फीयर। क्या है? एक्सोस्फीयर। तो ये एटमॉस्फेयर के क्या है? ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं स्टूडेंट्स। क्या है? ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। तो सबसे ज्यादा एयर जो है, सबसे ज्यादा जो गैशियस है, सबसे ज्यादा एयर है, वो कहाँ फाइंड होती? इन दो लेयर्स में फाइंड होती है, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज्यादा लेयर्स फाइंड होती हैं स्टूडेंट्स, और कुछ कुछ मीजोस्फीयर और आयनोस्फीयर में फाइंड होती है, और एक्सोस्फीयर में एक भी टाइप की गैस नहीं मिलेगी, एक भी टाइप की एयर्स आपको नहीं मिलने वाली है। क्या स्टूडेंट्स? नहीं मिलने वाली है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स एयर की। तो एयर में होता क्या है? क्या होता है एयर में, देख लेते हैं। सो एयर में होता है नाइट्रोजन। क्या होता है स्टूडेंट्स? एयर में होता है नाइट्रोजन। एयर में होता है ऑक्सीजन।
एयर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में होता है आर्गन गैस, एयर में होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब होता है स्टूडेंट जो स्टेबल गैस होते हैं, कुछ अदर गैसेस होते हैं, और होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स। सो एयर में कौन कौन सी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स? एयर में होता है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन गैस, इनर्ट गैस मतलब कुछ दूसरे टाइप के गैसेस, कुछ स्टेबल दूसरे टाइप के गैसेस होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल। ये कुछ टाइप के गैसेस होते हैं जो एयर में इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स। सो हम लोग देख लेते हैं कि कितने परसेंटेज से ये गैसेस इंक्लूड हो रहे हैं, कितने परसेंटेज से ये गैसेस इंक्लूड हो रहे हैं, ये भी हम एक पाई डायग्राम से समझेंगे। किसे समझेंगे? एक पाई डायग्राम से हम समझेंगे कि क्या। तो हम एक पाई डायग्राम से समझते हैं कि कितने परसेंट ऑफ गैस कितने। सबसे ज्यादा परसेंटेज है हमारे नाइट्रोजन का, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में सबसे ज्यादा क्या है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन है 78% है स्टूडेंट्स। क्या है? नाइट्रोजन 78% हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। अगर आपको कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा गैस हमारे अर्थ पे या हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे एयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तो आपको बोलना है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ पे पाई जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, हमारे एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स। सेकंड पे आता है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो 21% है। क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन जो है वो 21% हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है, हमारे एयर में 21% वो प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। फिर आता है स्टूडेंट्स आर्गन। क्या आता है? फिर आता है हमारा आर्गन, आर्गन गैस। सो आर्गन गैस कितना प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? आर्गन गैस 0.9% प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? मतलब 1% से भी कम। क्या स्टूडेंट्स? आर्गन क्या कितना प्रेजेंट है? 0.9% आर्गन प्रेजेंट है। उसके बाद अदर गैसेस मतलब कुछ दूसरे गैसेस, अदर गैसेस में अदर गैसेस कितने प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? अदर गैसेस आपके 0.07% है। क्या है? 0.07% आपके अदर गैसेस प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आपके एयर में, आपके अर्थ पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। कितना? 0.0। तो यहाँ पे आपको याद ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा जो गैस होने वाला है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होने वाला है, उसके बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, उसके बाद आर्गन प्रेजेंट होगा, उसके बाद अदर गैसेस प्रेजेंट होंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। सबसे कम अमाउंट में जो प्रेजेंट है स्टूडेंट्स वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे कम अमाउंट में हमारे अर्थ पे
प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो अदर गैसेस में कौन कौन से गैसेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, अदर गैसेस में आपको ध्यान देना है, अदर गैसेस में आपका आएगा इनर्ट गैस, कुछ दूसरे गैसेस हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स, वाटर के वेपर्स, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल मतलब धूल मिट्टी जो भी है, डस्ट पार्टिकल सॉइल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स स्टूडेंट्स। सो ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट है। सो यही सब हमारे एयर के कंस्टिट्यूएंट्स है स्टूडेंट्स, क्या है, यही सब हमारे एयर के क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स है स्टूडेंट्स। अभी 80% ऑफ जो गैसेस हैं, इनमें से 80% जो गैसेस हैं वो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में पाए जाते हैं, सॉरी 80% ऑफ गैसेस कहाँ पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। 19% ऑफ गैसेस जो हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में मतलब कितने पाए जा रहे हैं, 80% ऑफ गैसेस ट्रोपोस्फियर में पाए जा रहे हैं, और स्ट्रेटोस्फियर में कितने पाए जा रहे हैं, 19% ऑफ गैसेस, क्या पाए जा रहे हैं, 19% ऑफ गैसेस स्ट्रेटोस्फियर में पाए जा रहे हैं, और मीजोस्फियर और आइनोस्फियर में मिला के 1% पाए जा रहे हैं। मतलब बहुत ही कम गैसेस मीजोस्फियर और आइनोस्फियर में हमें मिलने वाले हैं, सबसे ज्यादा गैसेस हमें ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में मिलेंगे। ट्रोपोस्फियर में 80% ऑफ गैस मिलने वाला है, स्ट्रेटोस्फियर में 19% ऑफ गैस हमें मिलने वाला है, एक्सोस्फियर में 1% ऑफ गैसेस नहीं मिलने वाले, 0% गैस मिलने वाला है हमें, कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई भी टाइप का एयर हमें एक्सोस्फियर में नहीं मिलने वाला है स्टूडेंट्स, क्या हम कोई भी टाइप का गैस हमें एक्सोस्फियर में नहीं मिलेगा। मीजोस्फियर और आइनोस्फियर में दोनों को मिला के हमें 1% ऑफ गैस मिलने वाला है स्टूडेंट्स। सो ये आपको ध्यान देना है, ये परसेंटेज आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स, एटमोसफियर में इतने परसेंट में इतने गैस हैं, और ये भी याद रखना है कि कितने एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होते हैं। मैंने आपको पहले बोले एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होते हैं, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। सो ये 5 लेयर भी आपको याद रखना है, और ध्यान देना है कि ट्रोपोस्फियर में 80% ऑफ गैसेस मिल देंगे, स्ट्रेटोस्फियर में 19% ऑफ गैसेस मिलेंगे, मीजोस्फियर और आयनोस्फियर में हमें 1% ऑफ गैस मिलेगा, और एक्सोस्फियर में हमें 0% ऑफ गैसेस मिलने वाला है स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ अच्छे से वीडियो को सुनना है, आपको चीज़ें अपने आप याद होते जाएंगे स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ अच्छे से सुनना है और ध्यान से देखना है वीडियो में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब थोड़े लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, और बहुत ही कम अमाउंट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इनर्ट गैसेस मिलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन हमें 21% मिलता है, नाइट्रोजन हमें 78% मिलता है, आर्गन हमें 0.9% मिलता है, जो दूसरे गैसेस हैं वो 0.07% मिलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें 0.03% मिलते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ परसेंटेज आपको दिए गए हैं स्टूडेंट, आपको इससे पता चल रहा होगा कि कितने अमाउंट में कौन कौन से गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में प्रेजेंट है, और एयर किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। अगर आपको कोई पूछता है कि एयर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आपको बता देना है कि एयर मतलब हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें कि नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस होंगे और अदर गैसेस होने वाले हैं, तो आपको सिंपली ये बता देना है स्टूडेंट्स, क्या करना है, आपको सिंपली ये बता देना है। सो और आगे बढ़ते हैं, अब इन सब गैसेस का क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब गैसेस का क्या इम्पोर्टेंस है, सो देखते हैं इन सब गैसेस का क्या यूज़ है हमारे लाइफ में, या किसी के भी लाइफ में, कोई भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में क्या यूज़ है वो समझते हैं। तो पहले देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या यूज़ है स्टूडेंट्स, सो सिंपली आपको वीडियो अच्छे से देखना है और अच्छे से सुनना है, आपको इनके यूजेस भी याद हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सो सिंपली नाइट्रोजन का क्या यूज़ है, अब नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है स्टूडेंट्स जो यूजफुल है प्रोटीन प्रोडक्शन में,
किस में? प्रोटीन प्रोडक्शंस में। सो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन प्रोटीन प्रोडक्शंस में काम आता है और अमोनिया प्रोडक्शंस में काम आता है। क्या स्टूडेंट्स? प्रोटीन प्रोडक्शन और अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन से बना हुआ एक कंपाउंड होता है जिसे हम NH3 बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? NH3 बोलते हैं। ये सब आप आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब आप आगे स्टैंडर्ड में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये सब आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स। और किस लिए काम आता है स्टूडेंट्स? और जो हमारे खाने होते हैं जैसे कि चिप्स का पैकेट है स्टूडेंट्स, चिप्स का पैकेट कैसा होता है? फूला होता है। तो उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। मतलब नाइट्रोजन किस लिए यूज हो रहा है? नाइट्रोजन एयर टाइट पैकिंग के लिए भी यूज हो रहा है। किसके लिए पैकिंग? कौन से पैकिंग के लिए यूज हो रहा है? हमारे फूड स्टफ्स के लिए यूज हो रहा है, जैसे कि चिप्स का पैकेट हो गया, कुरकुरे का पैकेट हो गया, और भी जो खाने वाले चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, उनमें नाइट्रोजन गैसेस को फिल किया जाता है ताकि हमारा जो फूड हो वो ख़राब ना हो। तो एयरटाइट पैकिंग के लिए भी नाइट्रोजन का यूज़ होता है। प्रोटीन प्रोडक्शंस के लिए यूज़फुल है, अमोनिया प्रोडक्शंस के लिए यूज़फुल है, एयरटाइट पैकिंग ऑफ फूड स्टफ्स के लिए यूज़फुल है। तो आपको यहीं पे ये याद कर लेना है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का क्या क्या यूज है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं ऑक्सीजन का क्या यूज है। सो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा रोल होता है स्टूडेंट्स रेस्पिरेशंस के लिए। इसलिए रेस्पिरेशन के लिए सभी को मालूम है स्टूडेंट्स, हम लोग ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं अपने जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ से आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि रेस्पिरेशंस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, जिसके वजह से हम जिंदा रह रहे, ह्यूमन जिंदा रह रहे, एनिमल जिंदा रह रहे, तो इनके वजह से हम जिंदा। दूसरा है कंबशन। अब कंबशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जलाना, कोई भी चीज़ को जलाना, उसे हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में नहीं होगा स्टूडेंट्स, तब तक कोई भी चीज़ नहीं जलेगी। क्या है स्टूडेंट्स? जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ नहीं जलेगी। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप मोमबत्ती है जो आपके घर, अगर मोमबत्ती है उसको जला के उसको ढक दीजिए, थोड़ी देर बाद वो क्या होगा? अपने आप बुझ जाएगा। क्या होगा? अपने आप वो बुझ जाएगा। क्यों बुझेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो कंबस्ट नहीं होगा, मतलब वो जलेगा नहीं। तो इसलिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है जलाने के लिए स्टूडेंट्स। कोई भी चीज़ को हमें बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जल्दी कोई भी चीज़ बर्न नहीं होने वाली है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है तो देखते हैं। सबसे ज्यादा यूज कार्बन डाइऑक्साइड का है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। किस लिए यूजफुल हो रहा है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स जिसको यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज़ करके। और कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हो रहा है? और यूज़ हो रहा है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। कहाँ यूज़ हो रहा है? फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको सबको पता ही होगा, जो आग लग जाती तो वो लाल कलर का जो डब्बा सिलेंडर होता है, हम उसमें से एक स्प्रे मारते हैं तो उसमें और कोई गैस नहीं होती, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जो आप व्हाइट कलर का वहाँ पे जो गैस देखते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब होता है वो सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। कहीं पे भी अगर आग लगी होगी स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे कर देंगे तो वो आग क्या होगी? बुझ जाएगी स्टूडेंट्स। क्या होगी? वो आग वहाँ से बुझ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये यूजेस है। आगे देखते हैं आर्गन का क्या यूज है। आर्गन गैस का क्या यूज है? सो देखते हैं,
सो आर्गन जो गैस होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज किया जाता है। जो आपके घर में बल्ब्स होंगे ना स्टूडेंट्स, उसमें ट्यूबलाइट्स होगी, बल्ब्स होगी, जो भी होगा उनमें आर्गन गैस फिल होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है? उनमें आर्गन की गैस फिल होती है। तो यहाँ पे आर्गन गैस का यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में स्टूडेंट्स, ताकि उसमें आर्गन गैस हो। अगर उसमें से आर्गन गैस निकाल दी जाए तो बल्ब नहीं जलेगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए आर्गन गैस का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आर्गन गैस इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं हेलियम। अब जो हेलियम गैस है वो एक इनर्ट गैस है स्टूडेंट्स। क्या है? इनर्ट गैस में आता है। इनर्ट गैस हमने पीछे पढ़ा ना स्टूडेंट्स, इनर्ट गैस में हेलियम भी आता है, आर्गन भी इनर्ट गैस पे ही आता है स्टूडेंट्स। सो हेलियम किस लिए यूज होता है? सबसे बड़ा यूज है हेलियम का ऑब्टेनिंग अ लो टेम्परेचर। ऑब्टेनिंग अ लो टेम्परेचर मतलब अगर हम लोग को कहीं पे, समझो हम लोग को कहीं पे लो टेम्परेचर चाहिए, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं वहाँ पे हेलियम का यूज़ करूँगा, हेलियम गैस का वहाँ पे यूज़ करूँगा, ताकि उस जगह का टेम्परेचर क्या हो जाए, लो हो जाए स्टूडेंट्स, कम हो जाए वहाँ का टेम्परेचर। क्या हो जाए स्टूडेंट्स? वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाए, कम हो जाए स्टूडेंट्स। और किस लिए? एंड जनरेटिंग अ लिफ्ट इन एयरशिप्स। सो जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं, जेट्स वगैरह हैं, उसमें लिफ्ट्स बनाने में हेलियम का यूज होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? उनमें लिफ्ट्स बनाने में हेलियम का यूज होता है एयरशिप्स में स्टूडेंट्स। So, हेलियम का भी एक अच्छा खासा यूज है स्टूडेंट। अब देखते हैं नियॉन। नियॉन का क्या यूज है? सो नियॉन जो आपने दिवालियों में देखा होगा ना स्टूडेंट्स, लाइट्स जो होती हैं, जलती हैं, बंद होती हैं, डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं, डेकोरेशंस के लिए जो हम लाइट यूज करते हैं, वहां उस लाइट्स में नियॉन गैस होती है। क्या होती है? उस लाइट्स में नियॉन गैस होती है। तो कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं उसे? डेकोरेटिव लाइटिंग में यूज कर रहे हैं, डेकोरेटिव लाइट्स में यूज कर रहे हैं। अगर आपको कोई पूछता है नियॉन का यूज क्या, सिंपली आपको दिवाली याद रखना है, दिवाली की लाइट्स मतलब डेकोरेटिव लाइट्स। और कहाँ पे यूज होता है स्टूडेंट्स? और स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है स्टूडेंट्स। स्ट्रीट लाइट्स के जो बल्ब होते हैं ना स्टूडेंट्स, वहां पे नियॉन का यूज किया जाता है, नियॉन गैस का यूज किया जाता है। नियॉन स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी यूज होता है स्टूडेंट्स। कहाँ पे यूज होता है? स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी नियॉन का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। सो डेकोरेटिव लाइट्स के लिए यूज होता है और स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी यूज होता है स्टूडेंट्स। आगे यूज देखते हैं क्रिप्टन का क्या यूज है? क्रिप्टन भी क्या है स्टूडेंट्स? क्रिप्टन भी एक इनर्ट गैस है स्टूडेंट्स, और ये भी एयर में प्रेजेंट होता है। तो ये यूज होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में। फ्लोरोसेंट मतलब होता है चमकदार। क्या होता है? चमकदार ट्यूब्स है। अगर आपने यहाँ हाईवे वगैरह पे गए होंगे तो आपको वहां पे बोर्ड, साइन बोर्ड्स दिखते हैं येलो कलर में, वो क्रिप्टन होते हैं स्टूडेंट्स। उसमें क्या होता है? क्रिप्टन्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। वो चमकते हैं रात को, उन पे लाइट पड़ती तो वो चमकते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के लिए यूज हुआ जाता है क्रिप्टन, मतलब चमकदार ट्यूब्स के लिए। ये अंधेरे में क्या होंगे, अगर इन पे लाइट पड़ती है ना स्टूडेंट्स तो ये चमकते हैं। तो क्रिप्टन गैस का ये यूज है। क्रिप्टन गैस पे अगर लाइट पड़ती तो क्या होता है? चमकेगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? चमकेगा। लास्ट है हमारा ज़ेनॉन। ज़ेनॉन भी एक टाइप का इनर्ट गैस है स्टूडेंट्स। सो ज़ेनॉन का क्या यूज है? फ्लैश फोटोग्राफी। फ्लैश फोटोग्राफी। सो आपके कैमरास में जो फ्लैश होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें ज़ेनॉन गैस होता है।
क्या होता है, ज़ेनॉन गैस होता है। मतलब ज़ेनॉन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस निकल के आया स्टूडेंट्स, एक कैमराज में बहुत यूज़ होता है, फोटोग्राफीज़ के लिए ज़ेनॉन गैस का बहुत ही बड़ा रोल होता है स्टूडेंट्स। सो जो फ्लैश होते हैं हमारे कैमराज वगैरह में, वो ज़ेनॉन गैस होते हैं। उन फ्लैश में, उन लाइट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़ेनॉन गैस होता है। तो ये जो गैसेज हैं आर्गन, हेलियम, नियॉन, क्रिप्टन और ज़ेनॉन, ये क्या है, ये इनर्ट गैसेज हैं स्टूडेंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम, इनर्ट गैसेज हम बोलते हैं। ये क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। सो ये सब यूजेस हैं, नाइट्रोजन का यूजेस है प्रोटीन, अमोनिया, एयरटाइट पैकिंग ऑफ फूड स्टफ्स, ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन और कम्बशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, आर्गन को हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फील करते हैं स्टूडेंट्स, हेलियम को हम कम टेम्परेचर पाने के लिए और लिफ्ट्स बनाने में, एयरशिप में हम क्या करते हैं, लिफ्ट्स बनाते हैं, नियॉन में, नियॉन का जो गैस होता है वो डेकोरेटिव लाइट्स में फील किया जाता है, स्ट्रीट लाइट्स में फील किया जाता है, क्रिप्टन को हम फ्लोरोसेंट ट्यूब्स मतलब चमकदार ट्यूब्स के लिए यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ज़ेनॉन गैस के लिए हम फ्लैश फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, जो लाइट यूज़ करते हैं हम फोटोग्राफीज में, वहाँ पे हम ज़ेनॉन गैस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, ज़ेनॉन गैस का हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं, सो स्टूडेंट्स ये तो हो गया, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशंस, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और ये एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, ये एयर पॉल्यूशन हो रहा है कुछ हार्मफुल गैसेस के वजह से। कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, कुछ हार्मफुल गैसेस के वजह से ये एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो कौन सी हार्मफुल गैसेस हैं, अब ये हार्मफुल गैसेस कहां से आती हैं स्टूडेंट्स, ये हार्मफुल गैसेस आती हैं आपके इंडस्ट्री से, आपके कंपनी से, जो आपकी चिमनीज होती हैं कंपनी की, इंडस्ट्रीज की, वो क्या करती हैं, वो गैसेस छोड़ देती हैं, केमिकल्स छोड़ देती हैं ऊपर एनवायरनमेंट में। तो उससे क्या हो रहा है स्टूडेंट, उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। कौन कौन सी हार्मफुल गैसेस देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो है पहला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कौन से गैसेस हैं स्टूडेंट्स, और है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैसेस हैं स्टूडेंट्स, और है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कौन सी गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक सूट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या पता है, आपने जाना है कि ये सब गैसेस तो एटमॉस्फेयर में भी होती, फिर कैसे हार्म कर रही। तो स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर में ये सब गैसेस होती हैं, पर बैलेंस प्रोपोर्शन में होती है, एक बैलेंस अमाउंट में होती है। अगर इनमें से कोई भी गैस अगर ज़्यादा होने लगती है तो क्या करेगी, इन्वायरमेंट के बैलेंस को बिगाड़ देगी, इन्वायरमेंट को इम्बैलेंस कर देगी, और इन्वायरमेंट को वो हार्म करना स्टार्ट कर देगी, इन्वायरमेंट को पल्यूट करना स्टार्ट कर देगी स्टूडेंट्स। इसलिए ये सब गैसेस क्या है, हार्मफुल है स्टूडेंट्स। और यही सब गैसेस जो व्हीकल्स में से निकलती हैं, आपकी गाड़ियों में से निकलती हैं स्टूडेंट्स, आपके कंपनीज, आपके इंडस्ट्रीज में से ये सब गैसेस, स्मोक्स निकलते होते थे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो आपके व्हीकल्स में से सबसे ज़्यादा निकलता है स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और सूट क्या होता है, अब आपको जानना है सूट क्या होता है। अगर आपने आरती की होगी कभी तो उसमें से आपने देखा कि ब्लैक ब्लैक पार्टिकल निकलता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, ब्लैक ब्लैक पार्टिकल निकलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सूट बोलते हैं। तो वैसा सूट ना स्टूडेंट्स, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं ना तो वो सूट निकलता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, वो सूट निकलता है, उसे हम सूट बोलते हैं स्टूडेंट्स। आरती के टाइम काफ़ी कम अमाउंट में निकलता है, बट हम कोई चीज़ लार्ज अमाउंट में जब जलाते हैं ना, जब हम कचरा भी जलाते हैं ना, तो ये ब्लैक ब्लैक जो पार्टिकल होता है हवा में उड़ता है स्टूडेंट्स, ब्लैक ब्लैक पार्टिकल हवा में उड़ता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उसे हम सूट बोलते हैं। तो
तो इसी पोल्यूशन के चलते ना स्टूडेंट्स क्या हुआ है, हमारा जो ओजोन लेयर है, अब बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर में तीन ऑक्सीजन होते हैं, तीन मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के। तो ओजोन लेयर होता क्या है, बात कर लेते पहले ओजोन लेयर होता क्या है। तो ओजोन लेयर होता है स्टूडेंट्स लोअर पार्ट, स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट। अभी इतना पूरा जो लेयर है, इधर से इधर तक का जो लेयर है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर का लेयर है। और सबसे नीचे स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे और ट्रोपोस्फीयर के ऊपर, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में कौन सा लेयर होता है स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर होता है लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर लेयर एंड अपर लेवल ऑफ ट्रोपोस्फीयर लेयर के बीच, उसके बीच में ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में कौन सा लेयर होता है स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर होता है। अब ओजोन लेयर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि जो सनलाइट होती है, सन से जो भी रेज आती है, सन से जो भी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज मतलब होता है यूवी रेज जो होती है, और जो हीट होता है। अब ओजोन लेयर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है ना स्टूडेंट्स, ये अल्ट्रावायलेट रेस अगर आप पे पड़ेंगी ना तो आपको कैंसर होने का चांसेस हो सकता है, स्किन आपकी जल जाएगी स्टूडेंट्स अल्ट्रावायलेट रेस। तो ओजोन लेयर क्या करता है स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करता है और जो एक्स्ट्रा हीट आता है सन से उसे एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओजोन लेयर को भी बचा के रखना पड़ेगा। अगर ओजोन लेयर नहीं बचेगा तो बहुत सारे डिजीज़ होंगे, स्किन डिजीज़ होंगे स्टूडेंट्स, हमारी स्किन जल जाएगी, कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और हीट भी बढ़ जाएगी हमारे अर्थ पे। इसलिए ओजोन लेयर का रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर का रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे। तो 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में ओजोन डे मनाते हैं और इस दिन सबको अवेयर किया जाता है कि ओजोन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे अर्थ पे, हमारे लाइफ में ओजोन का क्या सबसे खास इम्पोर्टेंट है। तो ओजोन का जो लेयर है ना स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, क्या हो चुका है, अटलांटिक के साइड वो थोड़ा सा खराब हो चुका है स्टूडेंट ओजोन लेयर। किस वजह से खराब हुआ है स्टूडेंट्स, ये खराब हुआ है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक गैस है और एक गैस है उसका नाम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये दो गैस की वजह से स्टूडेंट्स हमारा जो ओजोन लेयर है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, उसमें थोड़ा सा छेद हो गया है स्टूडेंट्स, जहाँ से यूवी रेज आ सकते हैं, हीट्स आ सकती हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन फ्लोरोकार्बन जो था वो पहले हम कहाँ यूज़ करते थे, एसीज में यूज़ करते थे, एयर कंडीशनर्स जिसे हम बोलते हैं, एयर कंडीशनर्स में यूज़ करते थे एंड रेफ्रिजरेटर्स में ये हम यूज़ करते थे। और ये गैस सबसे ज़्यादा हार्मफुल पाई गई है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली गैस पाई गई है, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने ओजोन लेयर को ख़त्म किया है स्टूडेंट्स, क्या किया है, ओजोन लेयर को ख़त्म किया है स्टूडेंट्स। सो अभी तो ये गैसेस का यूज़ जो है उसे बैन कर दिया गया है, क्या किया, इन गैसेस का यूज़ बैन कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म कर रही थी स्टूडेंट्स, क्या कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा ये इन्वायरमेंट को हार्म कर रही थी। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को, अपने एयर को पल्यूट होने से बचाना है स्टूडेंट्स, हमें कुछ ऐसे नए तरीके भी ढूंढने हैं जिनके वजह से हमारे एयर को कोई नुकसान ना हो, हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, ना हमारे ओजोन लेयर को कोई नुकसान हो स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये एयर जो पार्ट है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो एयर पार्ट है वो आपको एकदम अच्छे से और डिटेल में समझा होगा स्टूडेंट्स, और हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है यहाँ पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है हाइड्रोस्फीयर, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
लिथोस्फीयर लैंड देखेंगे क्या होता है। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।